नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरीखबर.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे डाक विभाग की तरफ से आई हुई सीधी भर्ती 2020 के बारे में, जहां पर दसवीं पास महिला और पुरुष दोनों के लिए 3,959 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस भर्ती की सबसे खास बात ये होने वाली है कि आपका सिलेक्शन बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के डायरेक्ट मेरिट के आधार पर होगा। तो बस आप सभी को घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर केवल दसवीं पास महिला पुरुष को यहाँ पे मौका दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सपना है साल 2020 में एक अच्छी सी पोस्ट पर सरकारी नौकरी पाने का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करना और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पर। दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख भी पाएंगे। यहां पर आप सभी को 3,959 पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। हम बात करते हैं यहां पर जॉब प्रोफाइल के बारे में, तो आपको बेसिकली तीन तरह की पोस्टें मिल जाती हैं। सबसे पहले बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की, और यहां पे उसके आगे आपको एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और साथ में यहां पे थर्ड नंबर आपको डाक सेवक की पोस्टें मिल जाती हैं। इसके नीचे आने पर आपको यहां पे दिखाई देगा कि आपको इनके अंदर सैलरी कितना मिलेगा, कितने घंटे का काम रहेगा। यहां पर बेसिकली आपका जो है तो बीपीएम में मिनिमम जो है तो 4 आवर्स का काम रहेगा, जिसके लिए आपको लेवल 1 के अंतर्गत 12,000 रुपये दिए जाएंगे। और यहां पर आपको मिनिमम जो मिलने वाला है 5 घंटे का काम लेवल 2 के अंदर, इसके लिए 14,500 रुपये दिया जाएगा। और एबीपीएम में और डाक सेवक के लिए यहां पे 4 घंटे के काम में आपको 10,000 और 5 घंटे के काम के लिए आपको 12,000 रुपये दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे और भी डिटेल है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के अंदर बात करें तो जो आपकी एज है वो कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 40 साल की होनी चाहिए। इसके अलावा छूट भी दिया जाएगा और आपकी जो एज है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 23/3/2020 से काउंट करी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है तो एसटीएससी के लिए 5 और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। साथ में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन रखा गया है। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर आपको कोई भी छूट देखने को नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे योग्यता आपका केवल और केवल 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं पास, वो भी पासिंग मार्क्स यानी कि केवल और केवल 33% जो कि मिनिमम होता है वो मांगा गया है। और यहाँ पे बात करते हैं कंपलसरी नॉलेज के बारे में, तो लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, आप लोग देख पाएंगे। और साथ में यहाँ पे कौन कौन से राज्यों से आवेदन कर पाएंगे उसके बारे में पूरी जानकारी है, और लैंग्वेज के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप लोग लोकल लैंग्वेज देख सकते हैं अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये पूरी की पूरी जो है तो सभी राज्यों की लिस्ट अपलोड कर दी गई है। इसके बाद बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया है। 60 डेज का आपका जो है तो बेसिक सर्टिफिकेट लगेगा कंप्यूटर का, तो आप बनवा भी सकते हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, हम डेट की बात करेंगे आगे चलकर। और यहाँ पे अप्लाई करते समय लोकेशन, साइज और इमेज का जो साइज होता है, इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। आपको यहाँ पे साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए यानी कि साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए, यहाँ पे देखिए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग। साथ में यहाँ पे आपको जो है तो सिक्योरिटी अमाउंट के साथ साथ बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, और कैसे आप लोग फिल करेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी है। और यहाँ पर आप सभी को डेट के बारे में इन्फॉर्मेशन किया गया है, एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पे जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है उनके लिए केवल 100 रुपये लगेगा, बाकी जो आपका जो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट बच रहे हैं जैसे कि एसटीएससी, पीडब्ल्यूडी और फीमेल सभी कैटेगरी की महिलाएं हैं, उनके लिए जो है तो बिल्कुल एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, यहाँ पे फ्री है। सिलेक्शन की बात करें तो केवल और केवल आप लोग देख पाएंगे सिलेक्शन आपका ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर में डाटा फीड करने के बाद जब वो ऑटोमेटिक वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो जिनका जिनका यहाँ पे 4,000 पदों पर ऊपर से जो है तो मेरिट बनना शुरू हो जाएगी उनकी लिस्ट लगा दी जाएगी। और यहाँ पे देख भी सकते हैं आप लोग, पूरी जानकारी आपको बताई गई है इसी के अंदर। अब बात आती है कि आप लोगों को अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक कहाँ से मिलेगा, तो उसके बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी को डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ जहाँ पे आप लोग कमेंट करते हो वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद आप लोग सारी जानकारी देख पाएंगे। कुल यहाँ पे 3,959 पदों पर भर्ती आ चुकी है और 22 अप्रैल 2020 इसकी आखिरी डेट होने वाली है। नीचे जाने पर आपको एक इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ से आप लोग सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन की बटन पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट और अप्लाई ऑनलाइन का मिल जाएगा। तो आप लोग सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अभी जो है तो स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बाद जब भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी सर्वर जो है तो काफी लोडिंग ले रहा है, तो आप लोग देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए केवल और केवल 300 लाइक का टारगेट है, आपके जो है तो कंप्लीट करते ही मैं पूरी ऑनलाइन फॉर्म भरने की वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।